another day, another trip. Jar beta, bye. कुछ दिनों से हम रोज ही एयरपोर्ट के दर्शन कर रहे हैं, रोज लगातार। मंथली पास बनवा लेना चाहिए हमें, सिक्योरिटी में भी छूट मिले और एंट्रेंस में भी छूट मिले। रोज लाइन में लगता है भाई। मेरी सीट MEL पे, देखो पीछे अपने को, इन अंकल की भी सीट MEL पे। MEL मतलब क्या था बताओगी? मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट होता है कि यार जहाज भी ये चीज खराब भी है तो भी आप फ्लाई करके जा सकते हो। तो जैसे अगर ये खराब भी है, ये भी जैसे खराब है तो जा सकते हो। जैसे बीवी खराब है लेकिन आप काम चला सकते वो MEL होता है। लेकिन जो चीज खराब है उसको आप MEL में फ्लैग कर दो लेकिन उसका यूज नहीं कर सकते उसकी। हाँ मतलब कंडीशंस होंगे फिर। तो टेक्निकली अगर ये कुर्सी खराब है तो इसमें आप किसी को बैठा नहीं सकते। जैसे वो अंकल जी की कुर्सी खराब है, ये खराब है कि नहीं, तो यूज नहीं कर सकते आप। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, नींद बहुत जोर से आ रही है, तो सोई नहीं, बहुत सोया भैया। तो हम लोग अभी आ चुके हैं, ये तो है B24 अनीश क्या जा रहे हैं। यहाँ हमने क्रिकेट भी खेला था जब अनीश से मिलने आए थे। ये जो सामने गली दिख रही है, हमने क्रिकेट भी खेला था बच्चों का बैट छीन के। तो यही रोक लो भैया, थोड़ा सा खोसा गए हैं, वेट कर रहे हैं अनीश का, कहाँ किस डायरेक्शन से आएगा पता नहीं। अरे तुम मोटा और तुम गंजा दोनों हो गया यार। यार गंजा मत बोल यार, बहुत दूर तक गंजा लग रहा था ना ऐसे। आंटी पे जो जो ये अभी आ गए आज बता क्या हुआ है? तू इतना मोटा क्यों हो गया? सस्ता कपड़ा पहना है ना इसके लिए मोटा लग रहा है। बीवी ने खिला खिला के मोटा कर दिया है। मिस्टर डेविड ही इज एग्जैक्टली लाइक अनीश, हु डजंट लाइक टू हिलो। बिल्कुल बैठा रहता पूरे दिन आज। क्यूट है, क्यूट एंड लेजी है। टांग इतनी लंबी लगा बूटा सा यार। अच्छी बेटा तो अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। अनीश हमको जा रहा है गुजराती नाश्ता करवाने स्पेशल। अरे आप ही गए, वेरी गुड यार, आ गया हमारा नाश्ता अपना बढ़िया गुजराती नाश्ता। मजा आ गया ऋतु यार, थैंक यू। सबका इसका नाम बता दो, क्या क्या नाम है सबका? ये तो ढोकला है, ये क्या है? सैंडविच ढोकला। ये क्या भैया? खांडवी। ये क्या है? पात्रा। पहुंच चुके हैं अपने होटल रूम और ब्रेकफास्ट किया, पेल के खाया, मजा आ गया। आई लव गुजराती फूड। बहुत लोगों को पसंद नहीं आता कि खाने में मीठा कोई डाल देते हैं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। चेक दिस आउट, क्या मस्त तरीके से पर्दा खुल रहा है यार। थोड़ा सा मैं सो गया था, मेरी तो हालत फटी हुई है। तो अभी मैच देखने जॉर्ज और अनीश भी आए हुए हैं। जॉर्ज तो बेचारा सुबह 4 बजे का उठा, उसकी भी फटी हुई पक्का। मैच के लिए तैयार, और आज मैच के लिए भरपूर तैयारियां कर ली है। मोटे ने, जॉर्ज ने, मैंने, सब ने, भाई आज मचा देंगे मैच में। ये एनर्जी लेने के लिए ब्लैक कॉफी गटका रहे हमारे लौंडे। ढोकला फाफला खाएंगे, न्यूजीलैंड को हराएंगे। Just the latest, one of the latest achievements, and it's an honor that he's in our hotel also, and of course going to cheer the team. It's an honor being here. Yeah, of course. So, congratulations. बाढ़ के आए हो सारे। आप लोग का पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था? Yeah. हम सबका पहले बार में जीत गए। क्या बात है। तो हमारी टिकट आ चुकी है भाई साहब, गजब भीड़ लग चुकी है अभी से ही ग्राउंड पे। वो है ना मोटे मोटे ना, वो है ना, पता नहीं क्यों नहीं जा रहे, बंद कर दिया। मोटे को कहा था भैया ढोकला और फाफड़ा इकट्ठा कर लियो मैच में, स्विगी से कोऑर्डिनेट करना। जैसे ही बताता हम कहाँ हैं, गाड़ी मुंह जाती है भाई। वो ना वैसे अच्छा पोजीशन भी बता रहे हैं, वहाँ दो गाय खड़ी है, उसके बाजू में मैं खड़ा हूँ। एक मिनट करना ना, गौरव में लेके आ जाता हूँ। अबे यार, a few moments later, बहुत गंदा हगा तू ढोकला फाफड़ा। अभी उसने बुलाया था उसको पीछे जंक्शन पे, वहां से फिर भाई गाड़ी मुंह हो गई। अब कहता भैया आप स्टेडियम पे ही आ जाओ भाई, वो खाएगा खुद ही और वो इंडिया को जितवाएगा। हमारी जरूरत स्विगी वाले की फट लेगी आज। तो ये है मोटेरा और मोटेरा स्टेडियम, और यहीं पे ऋतु रहती थी शादी के पहले, यहां, यहां, यहां। इस वाली सोसाइटी में। अरे तेरा तो घर से मैच दिख जाता यार। वो, 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 वो। तो हो गया खाखड़ा फाफड़ा खाएंगे, इंडिया को जितवाएंगे और कीवी को हराएंगे। ठीक है, कीवी की तो ऐसी तैसी कर देंगे। अच्छा, एक तंबू बम्बू गाड़ दो न्यूजीलैंड की, ये तो आओ यहाँ पे नारे लगवाते हैं। इंडिया ढोकला फाफड़ा खाएंगे, इंडिया को जिताएंगे, ढोकला फाफड़ा खाएंगे, कीवी को हराएंगे, ढोकला फाफड़ा खाएंगे, कीवी को हराएंगे।
साहब आप बताइए, अभी अक्षर पटेल की शादी हुई, के एल राहुल की शादी हुई, आपको मौका मिलता तो क्या गिफ्ट देते आप? फरारी दे देंगे और क्या, फरारी दे देंगे, फॉर्म वापिस दे देंगे उसका। आपको सबसे ज्यादा टेंशन किस चीज की है? इंडियन आर्मी। सबसे टेंशन वाला तो मुझे यार कोई अगर मूली के पराठे ना खा के आए। अरे लेकिन भैया देखो, अगर कोई टेंशन का मोमेंट हुआ, कूद पड़ना, किट लाया मैं, किट बैग में रखी है, कूद पड़ेंगे भाई, आपके लिए खेलना पड़ेगा। अरे मारना नहीं है, बॉल को मारना भैया। विराट कोहली को गिफ्ट करना तो क्या गिफ्ट करोगे? अनुष्का तो दे दी पहले से। बता क्या देंगे? बड़ा सा ताला, ताकि रूम पे ताला लगा के जाए बढ़िया वाला। ये बताओ, अगर यूजी को गिफ्ट करना तो क्या गिफ्ट करोगे? इसका आंसर मेरे को बेस्ट लगा भाई, ये कैमरा देखा था कि यूजी और रील बनाए। किसके साथ आया मैच देखने? फ्रेंड्स के साथ। कसम खा के बताइए, जबरदस्ती लाया गया कि आप क्रिकेट फॉलो करती हैं? जबरदस्ती लाया गया। जबरदस्ती आती लड़कियां, आप जबरदस्ती लाई गई है कि आप क्रिकेट फॉलो करती हैं? मुझे जबरदस्ती लाया गया। कम गाइस, आप लोग खेले हैं किसी के साथ आए? एक दूसरे के साथ। सवाल ये है कि आप लोग क्रिकेट फॉलो करती हैं कि इनको मैच देखना था इसलिए जबरदस्ती स्टेडियम लाई गई है? फॉलो करते हैं। रिसेंटली हम लोग वुमेन्स वर्ल्ड कप जीते अंडर 19, और भैया वुमेन्स कप आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत बधाई। बम्बू गाएंगे, न्यूजीलैंड की फाड़ेंगे। बम्बू बम्बू गाएंगे, न्यूजीलैंड की फाड़ेंगे। भारत माता की जय। जो करे जगमाल करे जय, सूर्य कुमार भगवान करे जय। क्वेश्चन है भाई, मान लो आप बैटिंग कर रहे हो, 99 पे बैटिंग कर रहे हो, आपको लगी बहुत ही स्पॉटी। 100 के लिए रुकूंगा। 100 के लिए रुकोगे? बिल्कुल। तो इंटरवल लगा होता है? चलेगा शॉट मारेगी और निकल जाएगी। भाई ने डिफेंड किया पीछे। भाई विकेट कीपर को बता दियो कि प्रेशर आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि किस प्लेयर के पास सबसे एक्सपेंसिव चीज क्या है? विराट कोहली के पास सबसे एक्सपेंसिव क्या है? BMW। वही विराट कोहली एक्सपेंसिव है। विराट कोहली एक्सपेंसिव है। विराट कोहली सबसे एक्सपेंसिव है भैया। के एल राहुल को सबसे एक्सपेंसिव चीज? क्लास। बहुत ऑब्वियस। उसका क्लास। क्लास है लेकिन नहीं आया हुआ है, ढूंढना पड़ेगा। अभी रोहित शेट्टी। अभी रोहित शेट्टी आ गया ना? सुनील शेट्टी। सुनील सुनील। उमरान मलिक के पास स्पीड सबसे एक्सपेंसिव क्या था? उसका फर्स्ट मैच में ओवर था सबसे एक्सपेंसिव। फाइनली आ चुके हैं स्टेडियम के अंदर, आप करेंगे एंजॉय बढ़िया से। और दिक्कत पता है क्या है? यहाँ पे इतने ज्यादा लोग हैं, इतने ज्यादा लोग हैं, यहाँ जो टावर उसकी फट चुकी है और कोई सिग्नल किसी का नहीं आ रहा है। मोटे का डेडिकेशन नई टी शर्ट लेके आया, तो हम लोग जो लेके आए थे ये एल साइज था, भाई को एल साइज आया ही नहीं, तो आया सांडा साइज। आया एक्सेस साइज का मिला यहाँ पे। 200 का मिल रहा है। अबे साला सस्ता मिल गया तेरे को। भाई साहब यहाँ मैच ही देखने हैं तो ध्यान से देखने हैं, बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है भाई। ऐसा तो नहीं ना कि अपने अपने और ड्रोन कैमरा एक ही साथ हो गए? ऊपर से भी लोग कैमरा मैन के साथ बैठे ड्रोन। कैमरामैन भी इधर प्रीमोट लेके खड़ा है और अपने हमारे ड्रोन कैमरा के साथ। भैया थोड़ा आराम से। अबे हम लोग को एक्सक्लूसिव टिकट दी गई है। कबूतरों के भी निकल गए। कबूतरों ने भी यहाँ पे प्रेशर रिलीज कर दिया। अरे फाइनली पहुंच गए भैया। हम लोग कह रहे हैं ग्राउंड अभी खाली क्यों है? खाली क्यों भाई साहब? गदर अभी कैमरा पलटूंगा तुम्हारी फट ले। अरे ओके ये देखो भाई, अबे ये देखो यार, और वो देखो भाई, एंट्री शायद पता नहीं बंद है, चार गेट तो बंद दिख रहा है यार। अरे भाई साहब मारो, अबे बहुत सही टाइम पे आ गए जॉर्ज, फट लेती भैया। मेरे को ऐसा लग रहा है अपने को जल्दी नीचे जाना पड़ेगा, नहीं तो अपना एंट्री में अपने को टाइम लग जाएगा। तो हम लोग गलत टिकटों में आ गए, हमारे साथ 4-5 लोग और थे, हम उनकी टिकटों पे आ गए हैं। शायद उनमें से किसी ने डबल नारियल चढ़ाया होगा। हमारी VIP टिकट थी, वो लोग को VIP मिल गए, हम लोग यहाँ पे आ गए। तो हम लोग गलती से स्टैंड में चले गए थे, अभी पूरा बाहर जाके पता नहीं कहाँ से चलना है। अदानी स्टैंड है, अदानी जी की टिकट वाली स्टैंड है। कमीने साले, अबे बीच में नहीं है, लेडीज वाला पर्दा हटा कैसे देख रहा है? मार खाएगा, ओए मार खाएगा विराट। सारी गलती हो गई सर जी, भीड़ बहुत ज्यादा, हमने सही टाइम पे एंट्री ले ली थी, अब हमारा गलत टाइम हो चुका है। चलो भैया बाहर निकलने को मिला हमको। हम लोग जब आए थे पूरा खाली था भाई, भीड़ देखो। अरे तेरी ऐसी की तैसी भाई। भाई लग रहा इन लोगों को पता चल गया आप आने वाले जरूर। भाई अब नहीं होता जॉर्ज, वहाँ फंस जाते थे। नहीं फाफड़ा खाएंगे, दाढ़ी में फाफड़ा चिपका होता अपना भाई, ढोकला फाफड़ा निकल जाता अपना, फटियाला फाफड़ा अपना फाफड़ा रहता। अभी ये क्या लगाया भाई? भाई पता नहीं, एक तो भाई हमको लगा टावर है, हमने धीरे धीरे नजर ऊपर घुमाई, अबे साला ये मोबाइल टावर पेड़ में का छुपा के रखा है? ये मोबाइल पेड़ है।
इंडिया वॉन्ट्स टू नो क्या आप जज कह सकते हैं अभी ये जैमर लगा मुझे लगता है क्योंकि किसी के सिग्नल नहीं आ रहे भाई तो भाई पत्तियों के पीछे क्यों छुपा दिया जैमर को क्यों जैम कर रहे हैं अब हो सकता है पत्तियों से जैम हो रहा हूँ जैमर इनइफेक्टिव हो न्यूजीलैंड सपोर्टर है क्या अभी न्यूजीलैंड सपोर्टर पहला अकेला ही है अकेला ही है भाई एक्सक्यूज मी हेलो अरे आप लोग न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे हो क्या न्यूजीलैंड सपोर्टर सिर्फ अकेले आपकी आवाज सबसे जोर से निकलनी चाहिए आज गूंजेगी गुंजवानी है गुंजवानी है एंट्री के बाद हम लोग को कुछ ऐसा मिल गया हाथ में और साथ में मिल गया ये मेन्यू खाने का तो ये टी कॉफी वॉफी पाव भाजी ड्राई मंचूरियन ढोकला वोकला भाई साहब डू ऑर डाई मैच है नंबर तीन रहे सूर्य त्रिपाठी आ गया क्या सूर्य के बाद आएगा भाई अपने को आज जीतना है भाई आप उतरो ग्राउंड में न्यूजीलैंड की तरफ से बॉलिंग करने लगो पावर प्ले में दो प्लेयर भाग लिए डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग दोनों शुभमन के लिए और त्रिपाठी के लिए दोनों और स्पिन लगा दिए गिल जड़ जगह दो चौके लग रहा है 4.5 ओवर स्कोर है 39 विकेट पर गिल मारेगा भाई फिर से गुड डिफेंस यार गुड डिफेंस गिल का 50 है भाई आज आज ससुर जी आए तभी गिल फॉर्म में है तो पाजी पीछे बैठे पीछे वाले स्टैंड में वहीं से देख रहे हैं आशीर्वाद बनाए हुए हैं ऐसा कैसे हो सकता है तो पीछे यहाँ पे बैठे हैं अपने सचिन पाजी और जयशा पाजी यहीं से पूरी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है भैया त्रिपाठी चढ़े 2 छक्के 8 ओवर में 87 longer than a few minutes later kya baat hai kya are bhai sahab kya kya leke aaya bhai mota ye rahe indian trophy team 10 ओवर कंप्लीट 102 रन है अपने 2 विकेट पे चलो भाई शुभमन गिल अभी 49 पे है सचिन पाजी वेट कर रहे हैं जाने का घर से आ गया कॉल 1 रन बनाएंगे फिर निकल लेंगे वो भी शायद ये बोल के आए कि सब्जी लेने आए ओए अरे भाई आज मैच देखेंगे बेबी मैं सच में सब्जी ही लेने आया हूँ बेबी आलू ले लो कांदा ले लो धनिया तो फ्री में दे दो हाँ मैं आता हूँ आता हूँ सूर्य आउट भाई हालांकि बहुत अच्छा कैच पकड़ा लेकिन यार हार्दिक भाई कम ऑन अरे भाई साहब बड़ा गिल मार रहा है पुल करके फ्लैट छक्का मारा है भाई कम ऑन गिल अरे सचिन बाजी रुक गए नहीं गए देख के जाएंगे सेंचुरी अरे छक्का मारा बाजी वापस आ गए गिल ने छक्का मारा बाजी वापस आ गए वेव आ गई अबे क्या बात है भैया खुजाने से छक्का मारता है शुभमन सचिन बाजी को लेके जाओ घर में साथ में भाई शुभमन गिल ने करवा दिया न्यूजीलैंड का पहली बार बॉलर सेंचुरी मारेगा हाफ से वहाँ सेंचुरी तो बढ़ी जाएगी T20 में पहला बॉलर बनेगा ये जो सेंचुरी मारने वाला है भाई टिकनर अबे खुजा देते एक बार गिल की स्ट्राइक है खुजा ले भाई चलो भैया सबको लगा कि कैच हो गया है अबे गिल को भी लगा कैच हो गया गिल की फट गई गिल भागा ही नहीं गिल ने बाद में रिलाइज किया आखिरी ओवर बचा है 228 इन विकेट के नुकसान पे भाई साहब 103 रन की पार्टनरशिप हार्दिक और गिल की लेकिन गिल ने 60 पे 123 रन यार बहुत बड़ी बात भाई 60 पे 123 रन हार्दिक आउट हो गया शॉट कनेक्ट नहीं हुआ मिस टाइम हो गया अब हमें चलेगी बॉल भाई 3 बॉल बची है गिल ऑन स्ट्राइक खुजा दो भाई जाओ भाई जल्दी जल्दी कर स्लोअर बॉल अबे भाई बहुत चल जाएगी
अबे बहुत तेज चिपकी है, अबे फील्डर के चिपक गई, तो उसके बहुत तेज लगी है बॉलर के यार, दो बॉल बची है भाई। अरे भैया स्लोवर शॉर्ट बॉल, ये नई बॉल आजकल याद हुई है, एक तो वाइड यॉर्कर और एक ओवर शॉर्ट बॉल। मिचेल को पहला ओवर दिया है 20वां ओवर, अबे 20 ओवर का मैच है ना, अरे भाई साहब डिवाइस के खुजा दे यार, आखिरी दो बॉल है तो बॉल खुजा दे भैया। तुमको पता है मेरा इंडियन टीम में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरा हाथ मेरी पीठ तक नहीं पहुंचता, सेंचुरी मार के दिखाना पड़ता ना, वो मैं दिखा नहीं पाता, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ यार। अबे आखिरी दो बॉल बची, और बॉल का बचा, आखिरी बॉल, आखिरी बॉल 233 पे 4 विकेट और आखिरी बॉल बची है, लास्ट बॉल, इसमें तो कमेंट्री करेंगे आप, चलो देखते हैं क्या होता है। अबे हमारा लेकिन नारा खाकरा फाफड़ा खाएंगे, फाफड़ा ही हो गया भाई न्यूजीलैंड का, लास्ट बॉल, लास्ट बॉल, 234 बनाए, गेम नॉट आउट। भाई जब यहाँ पे ये नया स्टेडियम बनाया था, तब ट्रंप आया हुआ था, तो ट्रंप के लिए कैसे एक पहले कच्चा रास्ता हुआ करता था, यहाँ से अंदर शॉर्टकट हम लोग वहाँ से ही आते थे भाई, कच्चा रास्ता था 15 साल से, वो कच्चा रास्ता ही था। अब ट्रंप जब आया ना भाई, मेरे अंकल गांव गए हुए थे, 10 दिन बाद आए ना भाई, वो शॉक हो गए कि ये क्या पूरा ट्रंप, आज वो रोड का नाम है ट्रंप रोड, सही में ट्रंप रोड है, सही में बोल रहा हूँ, ये स्टेडियम में मोदी जी ने उसको डोनाल्ड ट्रंप बोला, गुजरात सीएम थे अंबानी जी, तो एक बार ऐसे स्पीच में वो बोल रहे जैसे खेडूत लोग के कारण मैकडोनाल्ड नहीं, सही में मैकडोनाल्ड के फ्राई फ्रेंचीज आप खाते हो। अबे क्या हो रहा है भाई, 21 रन पे 6 विकेट। Meanwhile क्या ले रहा भाई, सब्बे आगे है, कुछ खा लेते भैया क्योंकि मैच तो गया, मतलब न्यूजीलैंड का। अरे भाई आपकी गूंज की आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया? गला बैठा। कोई नहीं भाई, कोई नहीं, गला बैठा है। नो वन। इंडिया की जीत सुनिश्चित हो चुकी है, लोगों ने ग्राउंड से जाना शुरू कर दिया, देखो भैया जनता ने निकलना शुरू कर दिया है, आखिरी विकेट बचा है, न्यूजीलैंड का गिरना जनता की वापस चुकी है, हमारे यहाँ की भी, हमारी सीटें खाली हो चुकी है आगे की पूरी। रितु ने इतना गजब परफॉर्म किया रील में, रितु पूरे मैच में डिस्कनेक्टेड, रील बनाने का टाइम आया सबसे आगे भाई, सबकी फाड़ दी, गदर भीड़ हो चुकी, इसमें से निकलना ही फाइट होगी हमारे लिए। Taking a break, we are having a chai break. Cheers, cheers. अरे भाई साहब मजा आ गया भाई, मजा मा। So we are back to our room. अनीश चला गया अपने घर, जॉर्ज सो गया है, और रूम में आते ही हमारे लिए प्यारी सी स्वीट है जो कि हम सोच रहे कि नहीं खाएंगे, लियो बेटा पेल दिए। इंडिया की जीत की खुशी में हमको भी खिला दो यार, दूसरी खाओ। चलो ठीक है, इंडिया की जीत की खुशी मनाते हैं, आप लोग अपने अपनी खुशियां मनाइए, छोटी बड़ी जैसी भी आपसे मिलेंगे हम, कल अपना ख्याल रखिए भाई।